हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं, आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि अधिशासी अधिकारी, एंड दूसरी जो परीक्षा है आपकी RO AR O की, जो कि काफ़ी समय से स्टूडेंट्स इस एग्जाम का वेट कर रहे थे। आपकी नवंबर एंड दिसंबर के मंथ्स में इनके जो एग्जाम्स हैं वो शेड्यूल्ड हैं, तो आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड यदि अभी तक आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा दैट नाउ इट इज़ हाई टाइम जब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज आपके पास आयोग द्वारा एक विस्तृत सिलेबस भी दिया गया है जिसको आप अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता दैट आपका इस पेपर में सिलेक्शन ना हो। आपको पता होगा EO में हमारे दो एग्जाम्स होने हैं, एक पेपर हिंदी का होना है एंड देन दूसरा पेपर आपका GS का होना है यानी कि 200 नंबर का। सिमिलरली RO AR O का पैटर्न इस बार इन्होंने चेंज किया है एंड उसको लोअर PCS की लाइंस पे लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, यानी कि 100 का GS उसमें होगा एंड 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आपका होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ अराउंड 40 ऐसे टॉपिक्स अलॉन्ग विथ सोर्सेज डिस्कस करने वाला हूँ जिससे अगर आपने पढ़ाई की तो आपके 40 मार्क्स तो GS में शॉर्ट शॉर्ट आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करेंगे एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे मैं आने वाले समय में भी आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकूँ, मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसके बिसाइड्स आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दैट हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। द यूजर नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज UKPSC Exams 2023 एंड यहाँ पे मैं रेगुलरली जो भी अपने इंपॉर्टेंट GS के टॉपिक्स हैं, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उत्तराखंड, GK, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे शेयर करता हूँ, जिसे यदि आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम्स में जरूर कारगर साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो इस बार आपके RO AR O और अधिशासी अधिकारी के पेपर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो देखिए पहला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज योर Chandrayaan-3। ऑलराइट, Chandrayaan-3 की जो सफल लैंडिंग है वो कब हुई इंडिया से? पहले आपको पता होगा इंडिया इज द फोर्थ नेशन टू लैंड ऑन द मून, द फर्स्ट वॉज आफ्टर रशिया, US, चाइना एंड इंडिया इज द फोर्थ, एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ऑलराइट, इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल विक्रम लैंडर है, आपका प्रज्ञान रोवर है, एंड कौन से रॉकेट द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है, रॉकेट कौन सा था, LMV-3M4, ठीक है, LMV-3M4 ये जो रॉकेट आपका था इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। ऐसे ही Chandrayaan-2 कब लॉन्च किया गया था, Chandrayaan-1 कब लॉन्च किया गया था एंड Chandrayaan-2 में कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया गया था, तो इस तरीके के जितने भी Chandrayaan-3 से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड, आप सभी उन फैक्ट्स को एक बार याद करके जाएं, बिकॉज Chandrayaan-3 पे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस बार आपके दोनों परीक्षाओं में आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, नाउ सेकंड टॉपिक दैट आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू कवर इज योर G20। मैंने बहुत बार ये पहले भी इस साल के एग्जाम्स में बताया एंड हर एग्जाम में G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द मोटो ऑफ G20। इसका मोटो क्या है, डिफरेंट मीटिंग्स G20 की कहाँ हुई हैं। इवन इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड में आपको पता होगा G20 की 3 मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी एंड 100 करोड़ का जो बजट है G20 के लिए सरकार ने निर्धारित किया था अपने उत्तराखंड बजट 2023 में। इसके बिसाइड्स पहली मीटिंग उत्तराखंड में आपकी रामनगर में हुई थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मीटिंग, ये भी आपको याद करना है। इसके बिसाइड्स जो दो मीटिंग हुई थी दैट वर हेल्ड इन ऋषिकेश, नॉट इन एग्जैक्टली इन ऋषिकेश बट नरेंद्र नगर में वो मीटिंग्स हुई थी स्टिल। सो व्हाट आई नीड टू टेल यू इज दैट G20 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके जितने भी मेंबर्स हैं इनके भी नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज कई बार एलिमिनेशन करके ऑप्शंस में पूछ लेता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। ऐसे ही जो आपकी जो डिफरेंट मीटिंग्स है, फॉर एग्जांपल Y20 मीटिंग, जो G20 के शेरपा कौन रहे हैं, इसकी जो थीम है वो कहाँ से ली गई है, G20 की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट G20 से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी आपको करके जाने, एक क्वेश्चन आपको जरूर G20 पर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वॉन्ट यू गाइस टू कवर इज योर उत्तराखंड बजट। ठीक है, उत्तराखंड बजट आप इसलिए भी कवर करके जाएं बिकॉज हर बार देखा गया है जब भी UKPSC को एग्जाम कराता है तो एक ना एक क्वेश्चन उत्तराखंड बजट से देता है, और वो इसलिए भी एक क्या आपके 2 या 3 4 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार 6 अरोमा वैलीज की उत्तराखंड बजट में बात की गई है, दैट 6 अरोमा वैलीज स्थापित होंगी उत्तराखंड में, कौन कौन सी वो वैलीज होंगी, कहाँ स्थापित होंगी, इसके साथ ही आपका कौन सी नई इंपॉर्टेंट स्कीम इस बार उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की, ये सारी इन्फॉर्मेशन बजट में होती है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख के जाएं एंड आई विल ऑल्सो गिव द लिंक टू दैट वीडियो इन माई टेलीग्राम चैनल। तो उस टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। ऑलराइट, तो वहां से आप उत्तराखंड अपना बजट जो है कवर कर लें। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर
सेंट्रल बजट यानी कि यूनियन बजट 2023, एंड इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा आप इकोनॉमिक सर्वे है जो वो भी कवर कर लें, एंड द बेस्ट सोर्स टू कवर योर इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट 2023 इज PIB एज आई थिंक। उसकी ऑलरेडी जो एक कंसाइज PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, एंड आने वाले समय में इफ यू गाइज वॉन्ट मैं फिर से एक बार शेयर कर दूंगा। 100% चांस है दैट डायरेक्ट क्वेश्चन यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से आता है। फॉर एग्जाम्पल यही पूछ लेते हैं दैट फिजिकल डेफिसिट इस साल के लिए कितना था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं दैट हाइएस्ट एलोकेशन, ऑल राइट हाइएस्ट एलोकेशन किस मिनिस्ट्री को इस बार हुआ फॉर दिस ईयर फिजिकल ईयर। इसके बिसाइड्स पूछ लेते हैं दैट हाइएस्ट एलोकेशन किस स्कीम के लिए हुआ, ऑल राइट इसके बिसाइड्स डायरेक्ट फैक्ट भी ऐसे पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना टाइम्स में पूछ लिया था दैट कोविड वैक्सीनेशन के लिए कितना बजट प्रिस्क्राइब किया गया है यूनियन बजट में, ठीक है तो डायरेक्ट अमाउंट भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइएस्ट एलोकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कितनी अमाउंट इस साल दी गई, इस तरीके के क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब आपको यूनियन बजट में मिल जाएगा। इसके बिसाइड्स कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं यूनियन गवर्नमेंट की, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब आपको यूनियन बजट में मिल जाएंगे। इसलिए बहुत कंसाइज मैनर में यूनियन बजट को आप जरूर कवर करके जाएं। फिफ्थ टॉपिक दैट यू नीड टू कवर इज योर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में UK PSC AE का पेपर हुआ था, जिससे पहले मैंने सिमिलर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड आई टोल्ड दैट मिलिट्री एक्सरसाइज पे एक क्वेश्चन आएगा। एंड सिमिलरली आपने देखा होगा मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि एक तर्कश जो इंडो US एक्सरसाइज एंड अन्य और भी कंट्रीज के साथ आयोजित की जाती है, तो इस पे क्वेश्चन आया था दैट तर्कश इज वॉट, एक सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बिसाइड्स आपको पता होगा डस्ट लीक एक एक्सरसाइज होती है जो हमारी उज्बेकिस्तान के साथ होती है, फिर अपनी एक एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण जो हमारी नेपाल के साथ होती है, एंड इट वॉज प्रीवियसली हेल्ड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसके बिसाइड्स हमारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अजय वॉरियर एक एक्सरसाइज है, ठीक है ये हमारी UK के साथ होती है, दिस इज अनदर मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज हेल्ड विद UK, और भी बहुत सारी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। अगर मैं बात करूँ जो फर्स्ट टाइम इस बार हुई थी दैट वॉज योर साइक्लोन, ठीक है साइक्लोन जो हमारी इजिप्ट के साथ हुई थी, कहाँ हुई थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बिसाइड्स ट्राई सर्विसेज के बीच में भी होती है, इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में एक एम्फेक्स एक्सरसाइज हुई थी AMPHEX, इट वॉज हेल्ड इन काकीनाड, ऑल राइट काकीनाड इन आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे पूछे जाते हैं, एंड यू शुड बी थॉरो विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक लिस्ट बना लो एंड उनको याद करके अपने एग्जामिनेशन हॉल में जरूर जाएं लास्ट दिन, ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई वांट यू गाइस टू कवर इज रैंक ऑफ इंडिया इन वेरियस इंडिसेस, ठीक है रैंक ऑफ इंडिया इन वेरियस इंडिसेस। फॉर एग्जाम्पल वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन योर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो जितने वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, ठीक है। तो इतने जितने भी इंपॉर्टेंट इंडिसेस रहे हैं ये आपको सब करके जाने, एंड इसमें आपको रैंक इंडिया की देख के जानी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वांट यू गाइस टू कवर इज योर रिपोर्ट्स, यानी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, सो दे आर यू नो पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं इनको किसने पब्लिश करा एक नज़र आप इस पे भी मार के जाएं। नाउ एट्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वॉन्ट यू टू कवर इज योर मेजर स्कीम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्पेशली दोज स्कीम्स विच हैव बीन लॉन्च्ड इन योर रिसेंट 6 months, यानी कि अगर आपका पेपर नवंबर में है तो इससे 6 महीने पहले की जो स्टेट गवर्नमेंट्स की डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की मेन मेन स्कीम्स हैं उनको आप जरूर देख के जाएं। एक क्वेश्चन इस पे भी ये लोग हमेशा से पूछते हैं एंड इस बार भी पूछा जाएगा। नाइन्थ टॉपिक की अगर मैं बात करूं दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन ऐसा आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, ये ऐसे पूछ लेते हैं दैट लॉन्च ईयर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब था, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल दे माइट आस्क दैट जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च इन विच ईयर, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2019। ऐसे ही जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मैंने आपके साथ बात करी 2015 में, दिस ईयर वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स इस साल आई थी आपकी, कौन कौन सी, अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना एंड PM जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 2015 में लॉन्च हुई थी। जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो ये सब आपको इनका लॉन्च ईयर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स का करके जाना है, इस पर क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है। ऑल राइट 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई वॉन्ट यू गाइज टू कवर एंड जिसपे अक्सर देखा गया क्वेश्चन आता है दैट इज योर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट सेबी की रिसेंट में हेड कौन बनी, या कभी पहली महिला अध्यक्ष बनती है प्रथम बार, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ लेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हाल ही में चेयरमैन किसको बनाया गया, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज डैश,
फर्स्ट पीएम, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम ऑफ दिस कंट्री इज डैश, इस तरीके के क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स में पूछे जाते हैं. तो दिस इज अनदर हेडिंग दैट यू नीड टू कवर विच आर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड. इलेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज योर डेज एंड थीम्स. ठीक है, डेज एंड थीम्स. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं कब कब वो सेलिब्रेट किए जाते हैं एंड वॉट इज दैट थीम 2023 इस ईयर के लिए. प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया गया, क्या इसकी थीम थी, कौन इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यू नीड टू कवर दिस टॉपिक एज वेल. ऑल राइट, एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू गाइस नीड टू कवर इज मेजर आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो उस पर बहुत फोकस रहता है उत्तराखंड एग्जाम्स में, दैट इज आर्टिकल 213 and this is through which government issues an ordinance, ठीक है, sorry, governor issues an ordinance. The power of issuing an ordinance by the governor is under article 213. तो ये important articles है. For example, collective responsibility of executive to the legislature, or the ministry, council of ministers is responsible to the legislature. This is mentioned under which article? तो इस तरीके से collective responsibility and और भी important articles है. For example, आपका international peace and security की बात की गई है अंडर विच आर्टिकल, दिस इज अंडर आर्टिकल 51 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कई बार पूछे जाते हैं, राइट टू वोट कौन से आपके आर्टिकल के अंडर मेंशनड है. तो इन सभी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इन पे भी आप एक बार नजर मार के जरूर जाएं. ऑलराइट, सो दिस वॉज अनदर टॉपिक दैट यू गाइज नीड टू कवर. अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू गाइज नीड टू कवर इज योर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स, एक मेजर अमेंडमेंट आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, थ्रू विच थ्री वर्ड्स वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट वर दोज वर्ड्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड लेट मी टेल यू, ऐसे ही बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज दैट फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड थ्रू दिस अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वरण सिंह कमेटी. ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी. एंड कौन कौन से अमेंडमेंट आपके इंपॉर्टेंट हैं इसके बिसाइड्स, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, इससे आपका राइट टू जो प्रॉपर्टी था दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इट वाज मेड अ नॉर्मल लीगल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था. इसके बिसाइड्स 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट. 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट. तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज इंपॉर्टेंट, थ्रू विच यू नो वी टॉक अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट. सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर. ऑल राइट, इसके बिसाइड्स इफ आई टॉक अबाउट देन देर इज योर 14th टॉपिक इज पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है आपका टॉपिक दोनों. एक ना एक क्वेश्चन, कई बार तो दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. दिस इज बिकॉज पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज आपका कई बार सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन किया रहता है. दिस कम्स अंडर 11th शेड्यूल, म्यूनिसिपैलिटीज कम अंडर 12th शेड्यूल, लॉन्च्ड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड दिस वॉज लॉन्च्ड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. कौन कौन से ईयर में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. कितने आइटम्स आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 11th शेड्यूल में मेंशनड है पंचायत्स के अंदर, ये बताना. एंड 12th शेड्यूल में भी ऐसे ही कितने आइटम्स आपके मेंशनड है म्यूनिसिपैलिटीज में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड इन सभी पॉइंट्स को कवर करके अपने एग्जाम हॉल में जरूर जाएं. All right. Besides this, another important topic is your acts, important acts. For example, if I talk about your Biodiversity Act, कौन से ईयर के, Child Labor Prohibition Act, कौन से ईयर का है, जो important acts हैं आपके, that also you have to remember by year. Year पूछा जाता है directly that this year was implemented, Right to Education Act was implemented in which year. Direct question पूछे जाते हैं, तो this is another topic that you guys need to cover. इसके बिसाइड 16 टॉपिक दैट यू नीड टू कवर इज योर सेंसस ऑफ उत्तराखंड. कई बार एक क्वेश्चन एंड बहुत बार एक से ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है. पिछली बार लोअर पीसीएस में 3-4 क्वेश्चन सेंसस उत्तराखंड पे आ गए थे. तो दिस इज अनदर टॉपिक विच यू नीड टू कवर स्ट्रिक्टली फ्रॉम योर उत्तराखंड जीके पॉइंट ऑफ व्यू. 17th टॉपिक, मैंने सेंसस उत्तराखंड की बात करी, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेंसस इंडिया. एक क्वेश्चन एटलीस्ट सेंसस इंडिया पे भी हर क्वेश्चन पेपर में यूकेपीएससी पूछता है जनरल स्टडीज के. तो दिस इज अनदर टॉपिक जो आपको कवर करके जाना ही जाना है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी टॉपिक 18th टॉपिक इज योर इंस्टीट्यूट्स. इंस्टीट्यूट्स पूछता ही पूछता है एक ना एक इंस्टीट्यूट. फॉर एग्जांपल ये पूछ लेगा नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नेशनल डेयरी फार्मिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है, आपका शुगर केन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, नेशनल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है. इस तरीके के जो इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं इनके बारे में कई बार पूछा गया है. सो दिस इज ऑल्सो दैट यू नीड टू कवर. अनदर टॉपिक दैट यू नीड टू कवर इज योर एप्स एंड पोर्टल्स. ठीक है, एप्स एंड पोर्टल्स पे भी जो भारत सरकार द्वारा करंट अफेयर्स में जो रहते हैं एंड लास्ट के 6 महीने में लॉन्च किए गए हैं, दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर एंड इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑल राइट, इसके बिसाइड्स अगर मैं बात करूं 20th टॉपिक अगर मैं बात करूं दैट इज योर
ओशन करंट्स, ये बात मैं कर रहा हूँ आपकी ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का एक टॉपिक होता है ओशन करंट्स। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉट ओशन करंट। तो एक कोल्ड ओशन करंट एंड हॉट आपकी वार्म ओशन करंट, ठीक है, कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट की आप लिस्ट बना लें दोनों, एंड दोनों को सेपरेटली याद करके जाएं, बिकॉज क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आयोग द्वारा अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अनदर टॉपिक रिलेटेड टू योर यू नो जीएस पेपर्स ऑफ UKPSC इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे भी ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूछ लेंगे दैट पहला न्यूक्लियर प्लांट जो आपका इंडिया का था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच प्लेस। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है आपका, रावत भट्टा जो है पावर प्लांट वो कहाँ है, मैच करने के लिए भी पूछ लेते हैं। चार ऑप्शन में चार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दे देते हैं एंड देन बोलते हैं मैच इट विद द प्लेसेस दे आर लोकेटेड इन। सो दिस इज अनदर टॉपिक दैट यू नीड टू कवर। इसके बिसाइड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू गाइस नीड टू कवर इज योर अवार्ड्स रिलेटेड टू फिल्म्स। ऑस्कर्स हो गया, बाफ्टा हो गया, ग्रैमी हो गया, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गए, इसमें बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर जितने भी आपके अवार्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री वो भी आपको कवर करके जाने हैं। ऑलराइट, नाउ 23rd टॉपिक इफ आई टॉक अबाउट देन दैट इज योर यू नो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज दैट आर इन न्यूज। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देन यू गाइज मस्ट बी नोइंग दैट इस साल ही आपकी 1 अप्रैल 2023 से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की गई थी एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स मेंशन है। फॉर एग्जांपल कितना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हम एम कर रहे हैं 2030 तक, ये सब आपको स्टैट्स एक पीआईबी के डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। आप सब लोग वहां से ये जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं उनको नोट डाउन कर ले, पढ़ लें, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाएगा। नाउ मैंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात की, इसके साथ ही आपको पता होगा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है उस पर भी सरकार का काफी फोकस है। एंड व्हाट इज द टारगेट, द टारगेट इज टू अचीव 5 मेट्रिक मिलियन टन पर एनम, ठीक है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 125 गीगावाट्स बाय विच ईयर, बाय 2030। तो ये जो आपका टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो आती हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की मैंने बात करी, जितनी भी इंपॉर्टेंट ये रहती हैं न्यूज में आपकी पॉलिसीज लॉन्च की जाती हैं भारत सरकार द्वारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 24th टॉपिक इफ आई टॉक अबाउट दैट इज योर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स में देखो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट वुमेन आईपीएल आपका हुआ था, वुमेन्स आईपीएल, फिर इसके बिसाइड्स अभी हाल ही में वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन्स फीफा कौन जीता, फीफा रिलेटेड टू वुमेन वॉज वन बाय स्पेन एंड दे डिफीटेड इंग्लैंड इन द फाइनल, ठीक है, स्पेन वन इंग्लैंड को हराया था। इसके बिसाइड्स चार ग्रैंड स्लैम्स आपके होते हैं साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो चारों ग्रैंड स्लैम के आपके वुमेन सिंगल्स और मेन सिंगल्स के जो जो विनर होते हैं उनको याद करके आप जरूर जाएं, ये एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम जिससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है दैट इज योर फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ लेगा दैट इंडिया में आपका पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया गया, या उत्तराखंड में ही बात कर लो, फर्स्ट इन उत्तराखंड, दैट फर्स्ट पाल्मेटम उत्तराखंड में कहां किया गया, फर्स्ट यू नो आपका लिचिन पार्क कहां एस्टैब्लिश किया गया, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस सॉरी इंडिया में कहां एस्टैब्लिश किया गया, इन्फेंट्री म्यूजियम कहां एस्टैब्लिश किया गया। तो फर्स्ट इन इंडिया जो एक हेडिंग है इसके तहत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो भी आपको अपने एग्जाम में कवर करके जाने हैं। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू कवर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट कहां से आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, कितने टोटल टारगेट्स हैं एंड नंबर वाइज इसमें 1, 2, 3, 4, 17 तक आपके टारगेट्स आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स। ये आपको बाय हार्ट याद करके जाने हैं बिकॉज मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा था जिसमें आपको चार नंबर दे रखे थे 1, 2, 3, 4 एंड उनको मैच करना था आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू गाइज नीड टू कवर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आता है दैट हेडक्वार्टर्स ऑफ UN आर लोकेटेड इन विच प्लेस, या आपकी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को आर लोकेटेड इन विच प्लेस, आपका जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं WHO आर लोकेटेड इन विच प्लेस, ऐसे ही जो अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है, ऐसे भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। इसके बिसाइड्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आस्ड इज योर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे भी क्वेश्चन आता है एंड हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो इस पे आता है, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो ये जितने भी आर्टिकल्स इसके अंदर मेंशनड है DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सभी आपको बाय हार्ट याद करके अपने एग्जाम्स में जाने हैं। इसके बिसाइड्स
मैंने पहले बात करी थी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड्स की, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अवार्ड्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, पर्टिकुलरली इन द सेंस दैट आपके ऑस्कर्स जैसे होते हैं, 6 फील्ड में दिए जाते हैं। किन किन को ये अवार्ड मिले या कोई भी इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको इंडिया में अवार्ड किया जाता है किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को, तो दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, एंड उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बिसाइड्स आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के फील्ड में, डेफिशिएंसी डिजीज पे, डेफिशिएंसी डिजीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड उसके बिसाइड्स क्वेश्चन पूछा जाता है साइंटिफिक नेम ऑफ सर्टेन विटामिन्स। ओके, फॉर एग्जांपल विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे ही वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एंड पूछा भी जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सा है कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बिसाइड्स दो तीन टॉपिक्स में आपके साथ उत्तराखंड जीके के भी कवर कर लेता हूँ जिसपे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बट बिफोर दिस लेट मी टेल यू दैट हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+, जिसमें हमने टॉपिक वाइज उत्तराखंड के सभी टॉपिक्स को कवर किया है इन एन एमसीक्यू फॉर्मेट। सो इन ऑर्डर टू एक्सेल इन योर अपकमिंग एग्जाम्स, यदि आपका अधिशासी अधिकारी आर ओ आर ओ का पेपर है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये बुक बेस्ट रहेगी, इन विच करंट अफेयर्स हैव ऑल्सो बीन कवर्ड बाई एस फ्रॉम द ईयर 2021 से 2023 तक। मॉक टेस्ट इस वीडियो के लास्ट, इस बुक के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, एंड टॉपिक वाइज बी इट ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, डैम्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स, नेशनल पार्क, स्टेट पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जितने भी हैं, ये सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सो यू कैन परचेज दिस बुक फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, एंड टेलीग्राम चैनल में भी मैं आपको इस बुक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो डू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। ऑलराइट, सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल कवरिंग योर सिलेबस फॉर अपकमिंग आर ओ ए आर ओ एग्जाम। इसके बिसाइड्स जैसे मैंने आपको बताया दो तीन टॉपिक्स में उत्तराखंड के आपके साथ कवर कर रहा हूँ जिसपे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन टॉपिक इज रिलेटेड टू योर हिस्ट्री, उसमें पूछा जाता है दैट वॉट इज यू नो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कुमाऊं कमिश्नर्स, कुमाऊं कमिश्नर, फॉर एग्जाम्पल गार्डनर वॉज द फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर, ट्रे, लुशिंगटन, बैरन, कब, ये इनकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। ऐसी जो रूलर्स हैं आपके चंद किंगडम के, शाह परमार किंगडम के, श्याम शाह, फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, महीपत शाह, जो भी आपकी करेक्ट सीक्वेंस है ये पूछते हैं चार ऑप्शंस में, वो आपको मिक्स करके देते हैं, यू हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आजकल देखने को मिलेंगे स्पेशली रिलेटेड टू उत्तराखंड। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम उत्तराखंड जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर वेरियस मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका सेव सीड मूवमेंट यानी कि बीज बचाओ जो आंदोलन था, ठीक है, बीज बचाओ, दैट वॉज लॉन्च्ड बाय होम, विजय जरदारी, ठीक है, इस तरीके के मूवमेंट किसने लॉन्च किया, विजय जरदारी जी ने। ऐसे ही आपका एक पानी राखो है, पानी राखो, दिस वॉज स्टार्टेड बाय सचिदानंद भारती जी, सचिदानंद, एंड ही वॉज अवॉर्डेड द केदार सिंह रावत एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्राइज इन द ईयर 2022। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जितने इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स उत्तराखंड के अंदर हुए हैं उनके साथ जितने भी नोटेबल पर्सनैलिटीज जुड़े हुए हैं उन सभी की एक लिस्ट बनाकर आप तैयार कर लें। लास्ट टॉपिक दैट आई एम कवरिंग एंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा उत्तराखंड जीके में पूछा जाता है दैट इज रिलेटेड टू योर हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन उत्तराखंड। फॉर एग्जाम्पल प्रजामंडल की स्थापना उत्तराखंड में कब की गई, ऐसे ही उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई, फॉर एग्जाम्पल 1979 में की गई एंड इट्स फर्स्ट चेयरमैन और प्रेसिडेंट वॉज डी डी पंत। ऐसे ही पूछा जाता है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई, ठीक है, हिमालय सेवक संघ की स्थापना कब की गई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनका तो इनकी जो भी डेट है एस्टैब्लिशमेंट की, नॉट डेट एग्जैक्टली बट ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपको करके जाना है, जैसा कि मैंने बताया अल्मोड़ा कांग्रेस, ऐसी हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई, किसने करी, ये भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको अपने एग्जाम के लिए कवर करके जाने, एंड आई एम श्योर अगर आप इतना कर देंगे तो आने वाले आपके जो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं आर ओ ए आर ओ एंड अधिशासी अधिकारी का, उसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर अपना लाके अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ऑल राइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा जिनको यदि आप कवर करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित तौर पर इन पेपर्स में होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।